वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, काफिली की हुकूमत को यकीन दहानी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म नईमुल हक कहते हैं तहरीक-ए-इंसाफ और काफिली में कोई इख्तलाफ नहीं, अफवाहें दम तोड़ गईं, इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत होगा, हलीफ बनकर तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन के तजर्बे से फायदा उठाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इमरान खान मुल्क की अहम जरूरत है, हमने इकट्ठे चलने का अहद किया हुआ है, इकट्ठे चलेंगे। नैब के खिलाफ कारोबारी अफराद की शिकायत मिल रही हैं, कौमी एहतसाब ब्यूरो 30 रोज में फैसला करने का मजाज है, इंसाफ की फराहमी में ताखीर कौम के मुफाद में नहीं। दूसरी जमातों से मिलकर नैब में इस्लाहात तैयार है, कामा कमेटियों के लिए शबाज को सरबरा PAC बनाना पड़ा। मुशीर वजीर आजम नईमुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। ऑल पाकिस्तान हज फॉरम एसोसिएशन सस्ता हज पैकेज ले आई, हुकूमती पैकेज से 61,000 कम लेने का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन 3,75,000 में हज कराएगी, हुकूमत 4,36,000 में हज करा रही है। हुकूमत की हज पॉलिसी खास तबके को नवाजने के लिए बनाई गई, हज फॉरम एसोसिएशन के सदर आदिल भट्ट की गुफ्तगू। सेहत के नाम पर खजाने को करोड़ों का टीका, शहबाज हुकूमत का एक और मेगा स्कैंडल बेनकाब, मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में 110 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द का इंकशाफ, अद्वियात की फराहमी के लिए TCS को गैर कानूनी ठेका दिया, अहम दस्तावेजात लाहौर न्यूज सामने ले आया। कहां जाएं, इलाज कहां से करवाएं, शेख जैद अस्पताल की लिथोट्रिप्सी मशीन खराब, गुर्दों में पथरी के मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं, लवाहिकीन अपने प्यारों को महंगी लेबोरेटरीज और क्लिनिक्स ले जाने पर मजबूर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जिला इंतजामिया इन एक्शन, लीज वाले 24 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए, पंप मालिकान को पेट्रोल पंप्स पर लगी अपनी मनकूला अशिया उतारने की हिदायत, पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल बंद होने की तहरीर के बैनर्स लगा दिए गए, सील पेट्रोल पंप्स की 15 अप्रैल को नीलामी करवाई जाएगी, DC लाहौर। मछली मंडी की मुंतकली का हतमी फैसला, रिम मार्केट भी शिफ्ट की जाएगी, तजावजात गिराने की मंजूरी, 5 मंडियों पेट्रोल पंप्स और बिल्डिंग्स के नक्शा जात मंजूर, डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद की जेर सदारत इजलास में बड़े फैसले, प्राइस कंट्रोल शादी ब्याह एक्ट पर अमल दरामद और तजावजात ऑपरेशन का जायजा, शहरियों ने मछली मंडी के मुंतकली के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। मछली मंडी बाहर होनी चाहिए, ठीक है, फिर इस बात से करके पर जो मछली लोग बाहर भेजते हैं वो बहुत गंद पड़ता है। नई गवर्नमेंट आई है, तब्दीली वाले लोग आए हैं, तो हमारी कोशिश है कि ये हमें बाहर निकाल दें, ये मल्लेदार भी तंग है, उनकी बच्चियों के रिश्ते जो लेने आते हैं, बदबू इधर इतनी है कि वो रास्ते से ही वापस चले जाते हैं। जनाब ये तो बड़ी परेशानी होती है, बड़े मामला खराब होते हैं, क्योंकि इधर गुजरने की जगह भी नहीं होती। सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग से बिलाल नामी नौजवान की हलाकत, लवाहिकीन का लाश मुगलपुरा चौक में रखकर एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। बिलाल नामी नौजवान को गुज़िश्ता रोज सेशन कोर्ट के बाहर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। बिजली चोरी के खिलाफ निजी शोबे की खिदमात लेने का फैसला, निजी शोबे को मीटरिंग, बिलिंग और बिल जमा करने का इख्तियार होगा, ज्यादा लाइन लॉसेस और चोरी वाले फीडर्स के मामलात निजी शोबे को दिए जाएंगे, सेनेट की कायमा कमेटी की सिफारिश पर इकदामात शुरू, पेप्को का प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए तकसीम कार कंपनियों को इकदामात करने का हुक्म। जामिया नईमिया के ज़ेर एहतमाम तहफ्फुज़ नामूस-ए रिसालत सेमिनार, डॉक्टर राकिब नईमी चेयरमैन कुल मसालिक बोर्ड, मौलाना आसिम मखदूम तहफ्फुज़ नामूस-ए रिसालत महाज के सदर, रजा मुस्तफ़ा नक्शबंदी, अलामा नसीरुद्दीन चिश्ती, मुफ्ती मोहम्मद हाशिम और दीगर उलमाए कराम की शिरकत। डॉक्टर राकिब नईमी ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन क्यों, जमहूरियत में हर किसी को बात करने का हक हासिल है, दीनी मामलात पर मसाजिद और मदारिस को एक होना पड़ेगा।
पंजाब पुलिस में अफसरान के उखाड़ पिछाड़, सलेमान अहमद सुल्तान राणा डीआईजी ट्रेनिंग तैनात, मोहम्मद इनाम गनी एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब मुकर्रर, फयाज अहमद को एडिशनल डीआईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब लगा दिया गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम की इचरा शाहजमाल मोड़ पर कार्रवाई, सितारा को कलेक्शन सेंटर के गोदाम पर छापा, करोड़ों रुपए का सोफों और पर्दों का स्मगल शुदा कपड़ा जब्त कर लिया। शहर में डाकू राज बरकरार, जियामोसा के इलाके महबूब पार्क में डकैती की वारदात, दो डाकू शहरी से मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो गए, वाकये की फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। तब्दीली सरकार में भी आवाम का बुरा हाल, खुले गटर, सेवरेज का तबाह हाल निजाम, दारोगावाला का मोहल्ला बाबा नूर शाह मसाइल का गढ़ बन गया, रिहायशी अजियत में मुब्तला, कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर, जिना कॉलोनी के इलाके में भी मसाइल की भरमार, सेवरेज का पानी गलियों में दाखिल, मकीन बीमार होने लगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासत की वजह से बहुत नुकसान हुआ, मिसाली इदारा बनाने के लिए आईन का जायजा लेंगे, डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म नहीं करेंगे, चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का ऐलान, बोले पीएसएल 4 में 45 गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत करेंगे, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के दौरे पाकिस्तान के लिए बातचीत हो रही है, एहसान मानी और MD वसीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वसीम खान की लीडरशिप का कोई सानी नहीं, वसीम खान ने कहा इंग्लैंड में ज्यादा तनख्वाह थी लेकिन पाकिस्तान तरजीह है। जलानी पार्क में फूड फेस्टिवल का रंगारंग मेला, देसी चाइनीज सब ही एक जगह पर मौजूद, बच्चा पार्टी की भी मौज मस्ती, शहरियों की बड़ी तादाद पार्क में उमड़ आई। मारूफ खत्तात, मुसव्विर और शायर सादिकीन की 32वीं बरसी, खताती पेंटिंग्स और इनके जेर इस्तेमाल अशिया लोगों की तवज्जो का मरकज, वजीर मुमलिकत बराए माहौलियात जरताज गुल ने भी नुमाइश देखी, कहा अजायब घर से तारीख मिलती है, लोगों को टिकट खरीद कर आना चाहिए, जो कौमें तारीख और कल्चर भूल जाती हैं वो बेजुबान हो जाती हैं। और लाहौर पोलो क्लब के जेरे एहतमाम होंडा पोलो कप, मास्टर पेंट्स ब्लैक ने ग्रीन को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया, शहरियों की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा, फातेह टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम।